राम जी को पाने के लिए दशरथ जी ने बहुत तपस्या की थी, बहुत साधना की थी, परंतु राम जी को पाने के लिए जनक जी ने कोई साधना नहीं की थी, समझ गए, और मिथिला वासियों ने तो बिल्कुल नहीं की थी। लेकिन ये सब हुआ कैसे? इतना बड़ा लाभ मिथिला वासियों को कैसे मिला? तो जनक जी ने भगवान को पाने की कोशिश नहीं की थी, जनक जी ने भक्ति को पाने की कोशिश की थी, समझ गए। आज ही चर्चा चल रही थी, दोपहर में प्रसाद लेने गए थे, तो भगवान को पाने का एक अल्टीमेट मार्ग क्या है? एक ही मार्ग। तो भगवान ने कहा था नारद जी के पूछने पर, नारद जी ने पूछा कि आपको पाने का रास्ता क्या है? भगवान ने कहा कि वो एक सीढ़ी है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, तो ये क्रमशः आ जाओ, ये सीढ़ी है, ये तो चढ़नी पड़ती है। तब नारद जी ने कहा ठीक है, जो लोग चढ़ सकते हो तो चढ़ के आपके पास आ जाएंगे जी, सीढ़ी सीढ़ी चढ़ कर, परंतु जो विकलांग होगा, जिसके पैर टूटे होंगे, कमजोर होगा, बूढ़ा होगा, वो तो सीढ़ी नहीं चढ़ सकते जी, वो आपको कैसे प्राप्त करेंगे? भगवान जी एक क्षण के लिए चुप हुए। नारद जी ने कहा एक बात बताइए प्रभु, ये जो सीढ़ी है नसेनी, नसेनी बोलते हैं, सीढ़ी बोलते हैं, क्या ये सिर्फ चढ़ने के काम में आती है? हाँ जी, सीढ़ी पे खाली चढ़ी जाती है, उतरा भी जाता है, उतरने के भी काम में आती है ना। तो जो भक्त अष्टांग योग साधना कर सकते हैं वो सीढ़ी पर चढ़कर आपको प्राप्त कर लेंगे, परंतु जो नहीं आ सकते, नहीं चढ़ सकते, कमजोर है, उनके लिए आप भी तो उतर कर नीचे आ सकते हैं। कितनी अच्छी बात बताई, और इसी को कहते अवतार, अवतरणम अवतारः। अजी परमात्मा तो निर्गुण निराकार ही है, हमने कब कहा सगुण साकार है? निर्गुण निराकार है, हाँ, निरंजन है, निर्विकार है, अगम है, अगोचर है, अलख है, सब ठीक है। वहां तक जाने के लिए साधना है, परंतु जो नहीं जा सकते वहां तक, उन्हीं के लिए अवतार है, वही परमात्मा निराकार से साकार होकर नीचे उतर कर आते हैं। किन लोगों के लिए? जो अष्टांग योग नहीं कर सकते, वो तो खाली बस राम राम कहते हैं, हम राम जी के, राम जी हमारे। अब गृहस्थ आदमी है, परिवार में है, उसको परिवार की भी देखरेख करनी है, इन माताएं हैं, पति की सेवा, पुत्र की सेवा, ननंद की सेवा, सास ससुर की सेवा, अड़ोसी पड़ोसी और मेहमान तमाम चला, और त्योहार, ये सब कुछ करते हुए सत्संग भी थोड़ा बहुत कभी कर लेती है। अब ये कैसे प्राप्त करेंगे भगवान? तो इन्हीं लोगों के लिए भगवान का अवतार होता है, भगवान नीचे उतर कर आते हैं, सगुण साकार लीला करते हैं, है कि नहीं?